और अब बात चुनावी शंखनाद की। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और 40 साल के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी या कोई प्रधानमंत्री पहुंच करके डोडा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। दरअसल यहां पे जो चुनाव होने वाले इसके बारे में बड़ी जानकारी दे दें आपको कि जो यहां पे फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी 18 सितंबर को होगी, जो नतीजे होंगे वो 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट फेज की वोटिंग जो होगी उसको लेकर के नजरें लगी हुई है क्योंकि इस दौरान जो है डोडा, रामबन, किश्तवाड़ समेत तमाम जो इलाके हैं इसकी 8 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में पीएम मोदी आज यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत सारी बातें घाटी के विकास को लेकर के भी की जाएंगी और शायद यही वजह है कि घाटी में इस दौरान जो यहां पर जो लोगों का उत्साह है वो भी देख पा रहे होंगे। आप सुनवाते हैं आपको लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मोदी जी जो आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक जो है हमें मिल रहा है इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और हम सब बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो ड्रेसअप आप मुझे देख रहे थे ये मोदी जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने वहाँ से भेजा था, तो उसी वेशभूषा में हम यहाँ आके उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत ही खुशी का दिन है हर एक इंसान के लिए, बड़े तो बड़े, छोटो बच्चे बच्चे में भी उत्साह है। और रात को मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ मोहल्ले में बच्चे सोए नहीं हैं, मोदी जी आ रहे हैं मिलने जाना है, बड़ी खुशी है, बड़े निडर हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को कोई जानता भी नहीं था, आज हर कोई उनको जानता है। बच्चा बच्चा के नाम पे मोदी जी का नाम है और बच्चा बच्चा बहुत खुश है, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और हमें यही खुशी है कि हमारी बीजेपी जीते और हम कहीं आगे बढ़े, ऐसा नेता हमें दोबारा ना मिलेगा ना कोई होगा, बहुत ज़्यादा खुशी है भैया। मैं कहना चाहती हूँ कि जय श्री राम, सबसे पहले सत्य सनातन धर्म की जय। आज डोडा में ये खुशी है कि साहब आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे मोदी साहब आ रहे हैं मिलने के लिए। हर किसी को डोडा में खुशी, हर किसी को खुशी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और सीधे ग्राउंड जीरो से गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास वापस चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खास है। गणेश के पास वापस लौटेंगे लेकिन तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। गणेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो से। गणेश, 1982 के बाद अब 2024 में यानी कि 42 साल बाद सर्वसम्मति से कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, वहां की जनता को हम देख रहे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, अलग ही खुशी नजर आ रही है। आप वहां से कैसी तस्वीरें देख रहे हैं गणेश? गणेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार के जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है 90 सीटों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे, करीब 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का डोडा का यह पहला दौरा होगा और स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। लेकिन वहां पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, लोगों की संख्या देख सकते हैं, भारी भीड़ वहां पर है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर यह भीड़ आई है। तो देखिए डोडा की रैली आखिर खास क्यों है यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 1978 के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, राज्य में लोकतंत्र की पूर्ण बहाली का संदेश भी यहां से जाएगा। नई विधानसभा में बहुमत चाहती है बीजेपी। इस बार ब्रांड मोदी का विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है, घाटी के अलगाववादियों को यहां से कड़ा संदेश भी दिया जाएगा, चुनावी रैली से पाकिस्तान को भी नसीहत दी जाएगी। तो देखिए डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, किश्तवाड़, रामबन जिलों पर भी यहां पर नजर रहने वाली है। 45 साल बाद किसी पीएम की सभा यहां पर हो रही है डोडा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तो क्यों खास है लगातार आपको बता रहे हैं। रैली का 8 विधानसभा सीटों पर असर भी देखा जा सकता है।
तो लोगों का जोश देख पा रहे हैं आप, उत्साह देख पा रहे हैं आप। दरअसल ये उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 40 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पे लोगों को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी घाटी में जाते रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे, लेकिन ये मौका चुनावी है, लिहाजा 10 साल के बाद जब घाटी में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो है जिस तरीके से स्थिति देख रहे हैं आप लोगों की, वो यहाँ पे उत्साह से लबरेज है। और शायद यही वजह है कि 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, ये शायद यही वजह है कि लोगों का जो उत्साह है वो देख पा रहे हैं आप। राज्य में लोकतंत्र की पूर्ण बहाली का संदेश यहाँ पर देने का प्रयास होगा बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। नई विधानसभा में बहुमत चाहती है बीजेपी ताकि घाटी में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। ब्रांड मोदी का विधानसभा चुनाव में प्रयोग पार्टी के अलगाववादियों को कड़ा संदेश देने का प्रयास है। चुनावी रैली जो है ये यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 45 साल के बाद किसी पीएम मोदी की या यूं कहते प्रधानमंत्री की सभा हो रही है वहां पे। रैली का 8 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने वाला है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये होने वाला है। डोडा में पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी, लिहाजा उस वोटिंग पर भी लोगों की नजरें रहने वाली हैं क्योंकि इसी के साथ साथ डोडा के साथ किश्तवाड़ या फिर रामबन इस पर भी इसका असर पड़ेगा और तमाम सीटें हैं जो उसको प्रभावित करने वाली हैं। और जम्मू कश्मीर का ये चुनावी संग्राम है, आपको बता दें कि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनियन टेरिटरी की पहली विधानसभा का गठन भी यहाँ पर है तो राज्य में रहने वाले सभी लोग भी वोटर भी इसमें बने हैं। इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग में मूल निवासी की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है, अब 6 की बजाय 5 साल की विधानसभा होगी। जम्मू के डोडा जिले में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, इन लोगों को संबोधित करेंगे और करीब 45 साल बाद इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री चुनावी रैली को डोडा के जिले में संबोधित करने के लिए पहुंचा है। और बड़ी बात देखिए, हजारों की संख्या में जहां तक इस समय निगाहें जा रही है, चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग आते हैं। तो आप सुन रहे थे गणेश को जिस तरीके से वहां से वो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि देखिए जिस तरीके से आज डोडा में पीएम मोदी की होंकार, इसके पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र भी जारी किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर के, और उसमें भी बहुत सारे रोजगार के वादों से लेकर के जो वहां के युवा है, जो नौजवान है, उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा पे कैसे ध्यान दिया जाए, महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इसको लेकर के बीजेपी के घोषणा पत्र में भी हमें तस्वीर देखने को मिली। तो देखना ये होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करीबन 45 साल बाद ऐसा कोई चुनावी जनसभा को संबोधित तो घाटी में चुनाव है और घाटी में चुनाव को लेकर जिस तरीके से चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी की ओर से पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत चाहती है विधानसभा में ताकि कम से कम जो प्रशासनिक अमला है, ताकि जो बाकी सरकारी तंत्र है वो कम से कम उसमें विकास जो कार्य है वो वहां पर बाधित ना हो। और शायद यही वजह कि पीएम मोदी की आज से हुंकार है और चुनाव को लेकर नजरें सबकी। शिमला की कर लेते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद के विरोध में हिमाचल प्रदेश में आज फिर एक बार बवाल नजर आया। लाठी चार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज बंद का ऐलान भी किया है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से संजौली में लगातार महासंग्राम जारी है, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। 14 तारीख शनिवार को दोपहर तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखे। संजौली में मस्जिद पर आज फिर घमासान। आज हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। लाठी चार्ज के विरोध में हिमाचल बंद। दोपहर तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखें। शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर तनाव बरकरार है। संजौली में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश में बंद बुलाया गया है। वीएचपी ने बंद का ऐलान किया है जिसे तमाम हिंदू संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने हिंदू समाज की सुरक्षा
और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए आप सभी बढ़ चढ़ करके इस बंद को अपना समर्थन दें। बंद का ये असर हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू और मनाली समेत तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने छोटे बड़े व्यापारियों और दुकानदारों से भी अपील की है कि वो बंद का समर्थन करें। 14 तारीख शनिवार को दोपहर तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखें। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, वहीं शिमला व्यापार मंडल का कहना है कि वो बंद में शामिल नहीं होगा और शिमला में सभी दुकानें खुली रहेंगी। बाजार बंद नहीं रहेंगे। जो हिंदू संगठन ने जिन्होंने ये बंद की कॉल दी थी उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत की है, ना हमारे पास कोई लिखित रूप से उनका कोई है प्रस्ताव ऐसा कि कोई बंद की कॉल है। शिमला के सारे बाजार खुले रहेंगे। शिमला व्यापार मंडल के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी संजौली मस्जिद को लेकर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सर्वदलीय बैठक भी इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाई। बैठक